हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में एमपी जीके का हमारा नया लेक्चर रहेगा। देखिए, ये जो सीरीज है हमने कंटिन्यू नहीं की थी, बट अभी आप सभी के काफी सारे हमें कमेंट देखने को मिले हैं कि सीरीज को हम कंप्लीट करवा दें। गाइस, इसका पार्ट 4 हम आपके लिए लेकर आए। इससे पहले हम 3 पार्ट आपको दे चुके थे, अगर वो अभी तक नहीं देखे तो उनको आप जरूर से जाके देखिएगा, क्योंकि काफी स्पेशल क्वेश्चन उनमें भी हम कवर कर चुके हैं। पीवाईपी पैटर्न पर आधारित ये वीडियो रहेगा आपका, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल के रहेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देगा इसके हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसे एमपी करंट अफेयर है 2021 की, ये ईबुक आपको मिल जाएगी। साथ ही हमारा एमपी जीके का कोर्स भी है। इसके अलावा एमपी कांस्टेबल टेस्ट सीरीज है। गाइस, अभी एमपीपीएससी प्री 2021 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हमारी रेडी हो रही है, वो भी आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है। तो इन सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हम हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब की स्थापना प्रदेश के किस शहर में की गई है। गाइस, स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई है। सही जवाब रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भोपाल शहर में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एनिमल सरोगेसी लैब की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और गाइस, किस विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, तो पशुधन एवं कुक्कुट जो विकास निगम है, इसके द्वारा इस लैब की स्थापना की गई है, और ये की गई है आपकी राजधानी भोपाल में। गाइस, आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि डेली करंट अपडेट आपको फटाफट मिले, तुरंत से मिले, तो आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर हम कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको जो कि प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर आप जाकर जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। गाइस, ये जो खोला जाएगा ये मध्य प्रदेश के गुना जिले में खोला जाएगा। गुना, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा यहाँ पर। और गाइस, सेक्स वर्करों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तथा उन्हें सुधरने का मौका देने के लिए गुना में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है, सेक्स वर्कर पुनर्वास की, तो ये खोलने की मंजूरी अब दे दी गई है। तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए, तुलसी शोध संस्थान जो बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बनाया जा रहा है, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। चित्रकूट कहाँ पर आता है जी, ये आपका मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है चित्रकूट, ध्यान रखिएगा। और गाइस, चित्रकूट में ही कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। एक और चीज आप हमें बताइएगा कि चित्रकूट में, गाइस चित्रकूट में एक फेमस मेला लगता है, तो यहाँ पर कौन सा मेला लगता है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा सतना की अगर हम बात करें गाइस, तो मेहर जो है ये यहीं पर है, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है। मेहर सतना जिले के अंतर्गत ही आता है, जो कि अलाउद्दीन खान की कर्मस्थली रहा है, और संगीत राजधानी भी इसको जाना जाता है, मध्य प्रदेश की संगीत नगरी, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की संगीत नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? मेहर को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। ये मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये जो है मध्य प्रदेश का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से हमारा भोपाल से जवाब रहेगा। भोपाल जो है यहाँ पर भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है, बी ऑप्शन, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। और ये किसके द्वारा खोला गया है गाइस, तो इसरो के द्वारा जो है इसको भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह नियंत्रण केंद्र स्थापित यहाँ पर भोपाल में किया गया है। गाइस, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि गाइस, आपकी स्पेशल तैयारी के लिए नया चैनल हमने लॉन्च किया है, जिस पर नेशनल लेवल का पूरा जो स्पेशल करंट अफेयर है वो हम करवा रहे हैं। आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेशनल लेवल का भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए नेशनल के भी आप कवर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, देश की प्रथम साइबर ट्रेजरी कहाँ स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में। गाइस, मध्य प्रदेश में देश की पहली साइबर ट्रेजरी स्थापित की गई है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें गाइस कब से अपना कार्य प्रारंभ किया है, तो 2006 से, अप्रैल 2006 से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके द्वारा गाइस क्या होता है, करदाता इंटरनेट के माध्यम से कर का भुगतान कर सकते हैं। साइबर ट्रेजरी जो होती है, इसके माध्यम से करदाता इंटरनेट के माध्यम से कर का भुगतान कर सकते हैं। तो इसने 2006 अप्रैल 2006 में अपना काम शुरू कर दिया था, जो कि मध्य प्रदेश की पहली है साइबर ट्रेजरी, ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। गाइस, सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदौर में।
मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और कहां पर की गई थी? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसकी स्थापना की गई थी। और गाइस, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नए जो जितने भी उद्योग है, नए उद्योगों एवं वर्तमान योग्य औद्योगिक उत्पादन जो जितने भी है, तो उनमें वृद्धि करना, औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, वित्त निगम का, तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय आपका इंदौर में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये जो डीएनए प्रयोगशाला है, मध्य प्रदेश की पहली है, ये की गई है मध्य प्रदेश जिले के सागर जिले में। सागर यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। और देश की तीसरी है, मध्य प्रदेश की पहली है, ध्यान रखिएगा, देश की अगर हम बात करें तो इसमें तीसरा स्थान है और मध्य प्रदेश में पहली ये है। क्लियर है? तो ये आप डेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर हम बात करें तो इसने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया था, प्रथम डीएनए प्रयोगशाला जो है मध्य प्रदेश के सागर में है, और इसने अपना काम चालू किया था 2006 में फरवरी में 2006 में इसने अपना काम चालू कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम का क्षेत्रीय केंद्र है यहाँ पर भोपाल में। और अगर हम बात करें कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एलआईसी का जो मुख्यालय है गाइस, ये आपका मुंबई में स्थित है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय आपका भोपाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसके 7 केंद्रीय ये है क्षेत्रीय केंद्र है 7, और इसमें से एक आपका राजधानी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है भोपाल में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी है ये आपकी, और भोपाल में ये आपकी स्थित है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस, इसकी जो स्थापना की गई है भोपाल में की जाने के साथ साथ, ये जो लेबोरेटरी है इसमें किसका ये वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, तो बर्ड फ्लू जो वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस, इसका वैक्सीन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी में। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका एग्जाम में कि भोपाल में स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी में किस बीमारी या किस रोग का वायरस तैयार किया जा रहा है या वैक्सीन तैयार की जा रही है, इस हिसाब से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये फैक्टर भी आप समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय यूरोपियन चित्रों को आश्रय देता है? तो गाइस, यूरोपीय जो चित्रों को आश्रय देने वाला संग्रहालय है मध्य प्रदेश में, इस संग्रहालय का नाम है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो गाइस, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, होलकर शासन के शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस की स्थापना की गई थी संग्रहालय की, और ये एक जो है संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर अब है, इसकी एक संस्था के अंतर्गत जो है स्थापना ही की गई थी 1923 में इंदौर में। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इंदौर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी गाइस वर्ष 2009 में। बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। गाइस, एक और चीज आप याद रखिएगा, इंदौर पहला ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित है। ध्यान रखिएगा, तो ऐसा पहला शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका है भोपाल में स्थित है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है ये आपका, तो ये राजधानी भोपाल में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द डेली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है, ये मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पहली बात तो ये समझनी है गाइस आपको कि द डेली कॉलेज जो है एक स्कूल ये है, ना कि एक कॉलेज है, ये समझना है। और ये आपका मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि एक स्कूल है, ध्यान रखिएगा, और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका इंदौर में स्थित है, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा गाइस, एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर ही स्थित है, इंदौर में ही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो गाइस, लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो स्थित है ये आपकी भोपाल में स्थित है। यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, भोपाल में ये स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में लॉ इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, ये याद रखिएगा, 1997 1997 1997।
अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो संस्थान है ये भोपाल में स्थित है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है, जबलपुर, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है गाइस, एनएचडीसी का तात्पर्य क्या है? एनएचडीसी का जो तात्पर्य गाइस ये होता है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहां से हमारा बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। शॉर्ट में देखिए तो एनएचडीसी इसको बोलते हैं, इसका होता है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा द एमपी स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? गाइस इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, यानी 1962 में इसकी स्थापना की गई थी एमपी स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन की, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे तारीख भी पूछे गाइस तो 19 जनवरी को की गई थी, 19 जनवरी 1962 को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल कर आ रहा है वो भी काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी? देखिए यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई? तो ये जो विकास बोर्ड की स्थापना की गई गाइस ये 2005 में की गई थी, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिये ये वन विभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, एक कार्यक्रम के रूप में पारिस्थितिका को प्रचार करने के लिए, इसके विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश में RRCAT कहाँ है? देखिए RRCAT जो आपका आता है ये आता है इंदौर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा, RRCAT इसको बोलते हैं, ये इंदौर में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस टाइम पर ज्ञानी जेल सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो गाइस ये जो स्थापित किया गया है ये महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश, इन तीनों जगहों पर किया गया है, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली कल्चर लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? गाइस ये कल्चर लैब जो स्थापित की जा रही है ये इंदौर में की जा रही है, इंदौर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, पहली कल्चर लैब है टीबी मरीजों के लिए इंदौर राज्य में स्थापित की जा रही है, और इस लैब का जो निर्माण किया है गाइस टेस्ट सेंटर टीबी हॉस्पिटल परिसर में इसका निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बीडीए का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, और बीडीए का पूरा नाम है आपका भोपाल विकास प्राधिकरण, यानी आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा, भोपाल विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही जवाब रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ से ए ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब रहेगा। अगर हम बात करें भोपाल विकास प्राधिकरण की, तो गाइस इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, और किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी गाइस? तो 1974 अधिनियम, एक विकास प्राधिकरण एक्ट ये था 1974, इसके अंतर्गत 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख प्रथम आयुक्त कौन थे? देखिए प्रथम जो आयुक्त थे इनका नाम आप याद रखिए, एन वी लोहानी, ये है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त थे एन वी लोहानी, यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कई सारी चीजों के प्रथम पूछे जाते हैं, प्रथम वाला वीडियो भी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्तमान में कौन के वाले वीडियो मिले तो वो भी हमने अपडेट कर दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, देखिए यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन लिए थे जो कि पूरे हो चुके हैं और इनको डिटेल हमने डिस्कस किया है, और ये सीरीज अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर और कोई भी सीरीज चाहते हैं, जैसे टॉप 100 वाली, टॉप 50 वाली, या और भी ज्यादा क्वेश्चन वाली, या फिर डिटेल चाहते हैं कि ऐसे ही आपको डिटेल में मिलता रहे एमसीक्यू फॉर्मेट में प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये कुछ हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इनकी मदद से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, तो काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगी, एक बार जाकर आप डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं और इनके बारे में और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं।
बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस यहाँ पर आपको डेली मिलते रहते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसे करें ताकि उनको भी सपोर्ट मिले और हमें भी सपोर्ट मिले। आज के स्टूडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।